हमारे सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन पूजन पाठ जप तप करने का विधान है। इस अवसर पर श्रद्धालु नर्मदा कावेरी गंगा समेत अन्य पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं। इस साल 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पड़ रही है। इससे एक दिन पहले देव दीपावली मनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर दुर्लभ शिव योग का निर्माण होने जा रहा है। इसके साथ ही सिद्धि योग एवं करण योग भी बन रहा है। शास्त्रों में बताया गया है कि कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक असुर का वध किया था, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा पर जो योग बन रहा है, सिद्ध योग और शिव योग नाम के दो योग बन रहे हैं। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था कार्तिक पूर्णिमा पर, और इसके बाद देवताओं को राक्षसों के आतंक से मुक्त किया था। इसलिए जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया तो काशी में देव दीपावली मनाई गई। इसलिए हमारे धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान और विभिन्न प्रकार के पुण्य कर्म करने का विशेष महत्व है। दीप दान करना चाहिए और अन्न दान करें, कंबल इत्यादि का दान करना चाहिए। गंगा जी में या जो भी पवित्र नदियां आपके आसपास विराजमान हो, उन नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा आदि पवित्र नदियों में, नर्मदा इत्यादि पवित्र नदियों में स्नान करता है, उसके समस्त पाप क्षीण होते हैं और पुण्यों की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास विशेष रूप से भगवान विष्णु का मास कहा गया है, और देव प्रबोधनी एकादशी से पूर्णिमा तक भीष्म पंचक कहे गए हैं। ये जो पांच दिन कहे गए हैं, इन पांचों दिनों का विशेष महत्व है। जो इन पांच दिन में गंगा में प्रातःकाल स्नान करता है, नर्मदा में स्नान करता है, पवित्र नदियों में स्नान करता है, सायंकाल दीपदान करता है, भगवान विष्णु का और भगवान शिव का भजन करता है, कीर्तन करता है और विभिन्न प्रकार के दान पुण्य करता है, तो वह व्यक्ति संसार के समस्त सुखों को प्राप्त करता है, धन धान्य ईश्वर को प्राप्त करता है और अंत में वह वैकुंठ इत्यादि उत्तम लोकों को जाता है।